विगत दिनों देश की राजधानी दिल्ली के चांदनी चौक में वाहन पार्किंग को लेकर हुए विवाद में हिंदू आस्था के प्रतीक और वर्षों पुराने मंदिर पर एक विशेष समुदाय के व्यक्तियों द्वारा शराब पीकर मंदिर में तोड़फोड़ कर भगवानों की मूर्तियों खंडित किया गया था। इसी घटना के विरोध में देश भर में हिंदूवादी संगठनों द्वारा रैली धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसी को लेकर विदिशा जिले के गंज बासुदा के संगठन हिंदू जागरण मंच ने गृह मंत्री अमित शाह के नाम एक ज्ञापन अनुविभागीय अधिकारी प्रकाश नायक को सौंपा। ज्ञापन में मंदिर में उत्पात करने वाले और देश में अशांति फैलाने वालों पर IPC की धारा 124 के तहत राष्ट्रद्रोह का मामला दर्ज किए जाने की मांग की है। इसके साथ ही चेतावनी दी है कि तोड़फोड़ करने वाले असामाजिक तत्वों के विरुद्ध उचित कार्यवाही नहीं की जाती है तो हिंदू जागरण मंच देश में व्यापक आंदोलन करेगा, जिसकी समस्त जवाबदारी शासन प्रशासन की रहेगी। कुरवाई से आशीष सहले की रिपोर्ट। विगत दिनों दिल्ली में जो घटना घटी थी मंदिर पर कुछ बधर्मियों द्वारा, कम से कम 300-400 की संख्या में जिनने आक्रमण किया आतंकवादियों ने, और एक मामूली विवाद बताकर कि पार्किंग को घटना को लेकर इस तरीके से आपस में लड़ाई हुई है, कितना षड्यंत्र पूर्वक उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया और बाद में एक छोटी सी घटना का रूप बना दिया। और ऐसे एक जो हर जगह एक सुनियोजित तरीके से हमले कर रहे हैं हिंदू समाज के ऊपर, हिंदू समाज के धर्मस्थलों के ऊपर, हिंदुओं की बहन बेटियों को लेकर, तो आज हम इनको चेताने आए हैं कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना करें, इसका अंजाम बहुत दुखदायी हो।